चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी। उसी जंगल में तोता और तोती भी रहा करते थे। उनका एक छोटा सा बेटा भी था। उसी जंगल में कालू नाम का कौवा भी रहा करता था। कालू कौवे की शादी अभी हुई नहीं थी, मगर कालू कौवा सुंदरी नाम की कौवी से प्यार करता था। एक दिन रानी चिड़िया, बबलू, तोता, तोती और कालू कौवा बातें करते हैं। कालू, तू हमारा दोस्त है। देखा, मेरी और बबलू की शादी होकर एक साल हो गया है और हमारे दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है तोते? ताकि तू भी शादी करे। जरा अपनी शक्ल आईने में देखी है तूने? तू कितना बड़ा हो गया है और तेरे लंबे लंबे बाल भी आ गए है। तोते की बातें सुनकर कालू कौवा शर्माने लग जाता है। अरे कालू भैया तो शर्मा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कालू भैया को किसी कौवे से प्यार हो गया है। अरे चिड़िया, इस कालू कौवे से कौन सी कौवी प्यार करेगी? ये इतना काला है कि ये अंधेरे में दिखता तक नहीं है। तोते, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। क्या मैं इतना बदसूरत हूँ? मैं तो मजाक कर रहा था कालू। वैसे कौन है वो कवि जो तुम उसे चुप चुप कर प्यार कर रहे हो? वो हमारे जंगल की एक कवि है। वो बहुत सुंदर दिखती है। उसका नाम सुंदरी कवि है। सुंदरी कवि? वो बहुत सुशील और संस्कारी कवि है। कालू भैया, आपको सुंदरी कौवी बहुत खुश रखेगी। उस सुंदरी कौवी से शादी कब करने वाले हो तुम कालू? या फिर जिंदगी भर चुप चुप कर मिलने का इरादा है क्या तुम्हारा? आज तुम सबको वही बात बताने के लिए मैं आया था। कल सुबह मेरी और सुंदरी की शादी है। तुम दोनों अपने परिवार के साथ आ जाना जल्दी। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। देखा बबलू, कालू कितना छुपा रुस्तम निकला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस कौवे को भी किसी कौवी से प्यार होगा। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इसकी कल शादी है। क्यों बेचारे का इतना मजाक उड़ा रहे हो तोते? कल शादी है उसकी। चल जाकर कुछ मदद करते हैं उसकी। रानी, तुम तोती के साथ घर चली जाओ। मैं और तोता कालू के पास जाते हैं। क्या पता कालू को हमारी जरूरत पड़ जाए। इतना कहकर बबलू और तोता भी वहाँ से चले जाते हैं। वैसे चिड़िया बहन, क्या आप सच में उस सुंदरी कौवी को जानती हैं? क्या सच में वो कौवी संस्कारी है? हाँ हाँ तोती बहन, बेचारी अनाथ है सुंदरी कौवी। उसके आगे पीछे कोई नहीं है, मगर वो बहुत अच्छी, सुशील और संस्कारी कौवी है। कालू भैया उस कौवी के साथ बहुत खुश रहेंगे। फिर अगली सुबह कालू कौवा सज धज कर तैयार हो जाता है। वाह वाह कालू, तू कितना सुंदर दिख रहा है शादी के सहरे में। कहीं किसी की नजर ना लगे तुम्हें। चिड़िया बहन, जरा काला टीका तो लगाओ इस कालू कौवे को। अरे तोते, कालू भैया को काला टीका लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखो इनका रंग कितना काला है, इनको कोई नजर नहीं लगने वाला। क्यों चिड़िया, सही कह रही हूँ ना मैं? तोती की बातें सुनकर सभी पक्षियाँ हंसने लग जाते हैं। तुम सब कैसे दोस्तों मेरे यार? हर समय बस मेरा मजाक उड़ाते रहते हो तुम सब। कम से कम आज तो मेरा मजाक मत उड़ाया करो, आज मेरी शादी है। तोती, ऐसा क्यों कह रही हो कालू भैया को? काले हो या गोरे, नजर तो सबको लगती है। इसीलिए मैं लगा देती हूँ कालू भैया को काला टीका। इस तरह से रानी चिड़िया कालू कौवे को काला टीका लगा देती है। अब काला टीका भी लगा दिया है तुमने। अब जल्दी से चलो सुंदरी के पास, मुझे शादी करनी है। चलो तोते चलो, देखो तो कितना अर्जेंट कर रहे हैं कालू भैया शादी करने के लिए। इस तरह से कालू कौवा अपने सभी दोस्तों के साथ सुंदरी से शादी करने निकल पड़ता है। सुंदरी और कालू कौवे की शादी हो जाती है। कालू कौवा सुंदरी को बिहा कर अपने घर ले आता है। सुंदरी, यही है मेरा छोटा सा घर और यही दूर में मेरे बाबा का भी घर है।
मगर वो किसी काम के सिलसिले में जंगल से बाहर गए हैं। कोई बात नहीं कालू जी, जब काम खत्म करके घर लौटकर आ जाएंगे तो मिलवा देना उनसे। ठीक है सुंदरी। देखा सुंदरी, रात हो गई है, अब बातें छोड़ो, मेरे पास आओ। इस तरह से कालू और सुंदरी की रात कट जाती है और अगली सुबह भी हो जाती है। कालू कौवा सुबह उठकर सुंदरी से कहता है, सुंदरी लगता है तुम थक गई होगी, मैं बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आऊँ तुम्हें। नहीं कालू जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने सुबह उठकर हम दोनों के लिए खिचड़ी बना लिया है, आप नहा धोकर तैयार हो जाइए, हम दोनों एक साथ मिलकर नाश्ता करेंगे। ठीक है सुंदरी, मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अपने दोस्तों को मिलवाने के लिए ले जाता हूँ आज। इतना कहकर कालू कौवा नहाने चला जाता है। कुछ ही देर में कालू कौवा और सुंदरी कौवी नाश्ता करने लग जाते हैं। वाह सुंदरी, क्या खिचड़ी बनाई है तुमने, तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू, ऐसी खिचड़ी तो मैंने कभी नहीं खाई है, खाने में मजा आ रहा है सुंदरी। फिर वो दोनों खिचड़ी खाकर अपने घर से बाहर निकलते हैं। कालू कौवा सुंदरी कौवी को अपने दोस्तों के पास ले आता है। ये है मेरा दोस्त तोता और उसकी पत्नी तोती, और ये बबलू चिड़ा है और ये रानी चिड़िया है, बबलू चिड़ा की पत्नी, ये मेरे दोनों जिगरी दोस्त है। हेलो सुंदरी भाभी जी, वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपने कालू कौवे में ऐसा क्या देखा जिसे आप अपना दिल दे बैठी हो। तोते भैया, मजाक सुंदरी बहन के साथ मत कीजिए, वो अभी नई नवेली दुल्हन है, हमारे बारे में क्या सोचेगी। सुंदरी बहन, तोते भैया हर समय किसी ना किसी से मजाक करते ही रहते हैं, आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए। सुंदरी कवि मुस्कुराकर अपना सिर हिला देती है। सॉरी भाभी जी, प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानिए, क्योंकि मैं हर वक्त मजाक करता रहता हूँ। ठीक है तोते भैया। इस तरह से सुंदरी कौवी उन सभी पक्षियों के साथ घुल मिल जाती है। कालू जी, हमारी शादी होकर 6 महीने गुजर गए, मगर मैं अभी तक माँ क्यों नहीं बन पा रही हूँ। अरे चिंता क्यों कर रही हो सुंदरी, अभी तो हमारी शादी होकर सिर्फ 6 महीने ही हुए है। इस तरह से सुंदरी और कालू की शादी होकर 2 साल गुजर जाते हैं। चिड़िया बहन, मेरी शादी हुए 2 साल पूरे हो गए हैं, अभी तक माँ नहीं बन पा रही हूँ मैं, जंगल में कुछ पक्षियाँ तो मुझे बांझ है तू बांझ कह रहे हैं, पक्षियों की समाज की बातें और उनके ताने और उनकी चुभने वाली बातें, और मुझसे सहन नहीं हो पा रही है चिड़िया, मैं क्या करूं? हम दोनों ने बहुत कोशिश की, मगर मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। मैं आपका दुख समझ रही हूँ सुंदरी बहन, आप एक काम कीजिए, आप कालू भैया को लेकर डॉक्टर बुलबुल के पास जाइए, वो सबसे अच्छी डॉक्टर है इस जंगल की, वो आपको चेकअप करके बता देगी कि आपको संतान कब होगी। चिड़िया, मैं अभी जाकर इसके बारे में कालू जी से बात करती हूँ। इतना कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। सुंदरी कौवी कालू कौवे के पास आती है। कालू जी, शादी होकर 2 साल हो गए हैं, मगर मैं अभी तक माँ नहीं बन पा रही हूँ, अगर मैं माँ नहीं बन पाई तो हमारे बूढ़ेपन में हमारा सहारा कौन बनेगा कालू जी। भगवान पर भरोसा रखो सुंदरी, सब ठीक कर देगा भगवान। कालू जी, अब मुझे भगवान की नहीं डॉक्टर की मदद चाहिए। डॉक्टर? हाँ कालू जी, मुझे डॉक्टर बुलबुल के पास ले चलिए, वो मेरा चेकअप करेगी और बताएगी कि मैं कब माँ बनूंगी। तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं श्रीमती बुलबुल डॉक्टर के पास ले चलता हूँ तुम्हें। सुंदरी कौवी की बातें सुनकर कालू कौवा सुंदरी को डॉक्टर बुलबुल के पास ले जाता है। डॉक्टर बुलबुल, मेरी शादी हुए 2 साल बीत गए हैं, मगर मैं अभी तक माँ क्यों नहीं बन पा रही हूँ, ये बात मुझे जाननी है। रिलैक्स सुंदरी, रिलैक्स, मैं आपका चेकअप करती हूँ,
तभी मैं आपको बता पाऊंगी। इस तरह से डॉक्टर बुलबुल सुंदरी का चेकअप करने लग जाती है। कुछ ही देर में बुलबुल उन दोनों से कहने लगती है, सुंदरी बहुत अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। ये आप क्या कह रही है डॉक्टर बुलबुल? ऐसा मत कहिए, आप जो कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी, बस ये मत कहिए कि मैं माँ नहीं बन पाऊंगी। कालू जी डॉक्टर से कहिए कि वो मेरा और एक बार चेकअप करे, शायद उनको कोई गलत फहमी हुई होगी। सुंदरी संभालो अपने आप को और चलो घर, हम घर चलकर बात करते हैं। बेचारी सुंदरी कैवी ये बात सुनकर पूरी तरह से टूट जाती है कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। कालू कौवा सुंदरी कैवी को संभाल कर समझा कर अपने घर ले आता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। बेचारी सुंदरी कैवी रात भर सो नहीं पाती। अगली सुबह भी हो जाती है। सुबह उठकर सुंदरी कैवी कालू से कहने लगती है, कालू जी मैं तो माँ नहीं बन सकती, मगर आप बाप तो बन ही सकते हैं ना? सुंदरी तुम क्या कहना चाहती हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। जो भी कहना है साफ साफ कहो। आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते कालू जी? कम से कम आप बाप तो बन जाएंगे और मैं बड़ी माँ। ऐसा नहीं हो सकता सुंदरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो प्यार मैं किसी और के साथ बांट नहीं सकता। अगर आप बांट नहीं सकते तो मेरी बात भी आप कान खोल कर सुन लीजिए। अगर आप दूसरी शादी नहीं करेंगे तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। सुंदरी ऐसी बात अपनी जबान पर कभी मत लाना, अगर तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगा, तुम्हारे बिना मैं जी के क्या करूंगा। सुंदरी बोलो, सुंदरी बोलो। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो आपको दूसरी शादी करनी होगी, मैं आपके लिए कभी देखूंगी कालू जी। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए सुंदरी। इतना कहकर कालू कौवा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। मुझे ही कालू जी के लिए एक अच्छी सी कवि ढूंढनी ही होगी। ऐसा सोच कर सुंदरी कवि वहाँ से चली जाती है। सुंदरी कवि उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुँच जाती है। फिर सुंदरी कवि को एक कवि दिखाई देती है। सुंदरी कवि उस कवि के पास जाती है और उसे पूछती है, कवि जी क्या इस जंगल में कोई कुंवारी कवि है? वो तो मुझे मालूम नहीं है, आपको देखकर नहीं लग रहा है कि आप इस जंगल की हो। मैं पड़ोस वाले सुंदरवन जंगल से आई हूँ, वैसे क्या आपकी शादी हो चुकी है? नहीं मेरी शादी हुई नहीं है, मैं भी अपने जीवन साथी के खोज में ही लगी हूँ। क्या आप मेरे पति से शादी कर सकती हैं? मुझे पता है मेरी बातें सुनकर आपको झटका लगा होगा, मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ, इसीलिए मेरी पति की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। मेरे पति बहुत अच्छे और हैंडसम कवे हैं, उनका खुद का एक घर भी है और वो रोज 1,000 रुपये भी कमाते हैं। प्लीज मना मत करना कवि, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम्हें कभी भी बुरा भला नहीं बोलूंगी, मेरे पति तुम्हें बहुत प्यार देंगे। आप इतना कह रही हैं तो मैं आपके पति से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, आप कल सज धज के सुंदर वन जंगल आ जाइए। इतना कहकर सुंदरी कवि वहाँ से चली जाती है। सुंदरी कवि कालू कवे के पास जाती है और कालू कवे से कहने लगती है, कालू जी मैंने आपके लिए एक कवि ढूंढ ली है, आप कर तैयार रहिए उस कवि से शादी करने के लिए। सुंदरी मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम दोनों को एक साथ देखकर तुम्हारा कलेजा चूर चूर हो जाएगा। सुंदरी मैं संभाल लूंगी अपने मन को और अपने कलेजे पर पत्थर भी रख लूंगी कालू जी, बस आप उस कवि से शादी कर लीजिए, वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे आप।
इतना कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा अपने बाबा खड़कनाथ के पास जाता है और उनसे कहने लगता है, बाबा सुंदरी एक ही जिद पर अड़ी हुई है कि वो मेरी दूसरी शादी करवा कर ही रहेगी। अब मैं क्या करूं बाबा? जो होता है ना कालू, वो अच्छे के लिए ही होता है। समझकर तुम दूसरी शादी कर लो। फिर अगली सुबह भी हो जाती है। सुंदरी कौवी कालू कौवे और गोरी कौवी की शादी करवा देती है। कुछ दिन तो सुंदरी के अच्छे दिन गुजर जाते हैं। शादी के कुछ महीने बाद ही गोरी कौवी अपना असली रंग दिखाने लग जाती है। गोरी क्या कर रही हो? मैं जो भी करूँ तुम्हें क्या, तुम मेरे आसपास भी भड़का मत करो। बाज कहीं की कहीं तुम्हारी बुरी नजर से मैं भी बाज ना बन जाऊं। इसीलिए कह रही हूँ कि तुम मेरे आगे पीछे घूमा मत करो। इतना कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। अचानक गोरी कौवी इतना कैसे बदल गई? पहले तो हर वक्त दीदी 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 करती रहती थी, मगर अब तो सारी बातें मुझसे टेढ़े ही करने लग गई है गोरी। एक दिन गोरी कौवी सुंदरी से कहने लगती है, अरे वो मनोज कहीं की हर वक्त अपने घोंसले में पड़ी रहती है। पांच कहीं की जा जाकर मेरे लिए खाना बना और बाहर कपड़े रखे हैं, कपड़े भी धो। बेचारी सुंदरी कौवी गोरी की सारी बातें माना करती थी क्योंकि वो कालू कौवे को खुश देखना चाहती थी। अगर गोरी कौवी माँ बन जाएगी तो कालू जी बहुत खुश हो जाएंगे। मैं इन दोनों को देखकर सारे अपने दुख झेल लूंगी और जंगल में मिठाइयाँ बांटूंगी। एक दिन कालू कौवा अपने दोस्तों के पास जाता है। क्या यार कालू, तू तो बहुत किस्मत वाला निकला। तेरी दो दो पत्नियाँ जो है, एक मायके चली गई तो दूसरी घर पर ही रहेगी। तोते मैं कॉमेडी करने के मूड में नहीं हूँ। क्या हुआ कालू, तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या बताऊँ बबलू, मेरी दो दो शादियाँ होने के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरा कोई संतान नहीं है। मेरी पत्नियाँ अंडे नहीं दे रही है, ना सुंदरी दे रही है ना गोरी दे रही है। मुझे शक हो रहा है कि मुझे दोनों मिलकर और एक शादी ना करवा दे मेरी। इसी बात को सोच सोच कर मैं परेशान हुए जा रहा हूँ और मेरा दिमाग भी फटा जा रहा है। ऐसी बात है तो तुम अपनी बॉडी चेकअप क्यों नहीं करवा लेते कालू? शायद तुम में ही कुछ कमियां हो। तो चल मैं तुझे मिस्टर डॉक्टर बुलबुल के पास ले चलता हूँ, अब वही बता सकते हैं तेरी प्रॉब्लम को। फिर बबलू तोता और कालू कौवा मिस्टर डॉक्टर बुलबुल के पास जाते हैं। कालू कौवा डॉक्टर को सारी बात बताता है। ठीक है, मैं आपका चेकअप करके बताता हूँ। इस तरह से डॉक्टर कालू का चेकअप करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर उनसे कहता है, कालू तुम कभी भी बाप नहीं बन सकते, तुम्हारे टेस्ट के रिपोर्ट आ चुके हैं। कालू तुम्हारे सारे टेस्ट के रिपोर्ट आ चुके हैं। मुझे अफसोस के साथ तुम्हें बताना पड़ रहा है कि क्योंकि तुम्हारे बॉडी में बाप बनने के कोई लक्षण नहीं है। हजार कौओं में किसी को एक प्रॉब्लम होता है जो तुम्हें है। बबलू और तोते अब मेरा क्या होगा, मेरी कोई संतान ही नहीं होगी, मैं सुंदरी और गोरी को क्या कहूँगा। कालू होने को कौन टाल सकता है, अब तुमको तीसरी शादी करनी नहीं चाहिए। जो सच है तुम गोरी और सुंदरी को बोल देना, वो तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। कालू तुम चिंता मत करो, हमारे जंगल में एक छोटा कौवा है, उसके माँ बाप नहीं है। तुम उसे तुम्हारे घर ले जाओ और अपने बेटे की तरह उसका देखभाल करो, इससे तुम्हारे बेटे की कमी दूर हो जाएगी। हाँ बबलू और तोते, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता ना।